रोडमैप्स लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पूर्व लद्दाख में विवाद के समय बने नए स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने को लेकर भारत और चीन कर रहे हैं बातचीत। भारत और रशिया के बाद फिलीपींस बनने जा रहा है पहला देश जो ऑपरेट करेगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। शेड्यूल टाइम से पहले ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को सप्लाई करने पर काम कर रहा है रशिया। इंडियन नेवी के लिए स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं सबमरीन INS वगैरह को किया गया है लॉन्च, जो दुश्मनों के लिए बनेगी साइलेंट किलर। और इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 बाइसन वाले स्क्वाड्रन को कन्वर्ट किया जा सकता है तेजस फाइटर्स की एक नई स्क्वाड्रन में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जानकारी दे दें कि हमारी अक्टूबर महीने की फ्रंटलाइन ई मैगजीन लॉन्च हो चुकी है, जिसे आप केवल 11 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि दीपावली के शुभ अवसर पर हम आप सभी को हमारी सारी ई मैगजीन पर एक बेहद ही स्पेशल डिस्काउंट देने जा रहे हैं, जिसमें दीपावली तक आप हमारी कोई भी ई मैगजीन खरीदेंगे तो वो आपको केवल 11 रुपए में ही मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। बाकी हमारी ई मैगजीन्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ध्यान होगा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए एक 3-स्टेप प्रोसेस एग्रीमेंट पर सहमत हुए हैं। तो डिसएंगेजमेंट के इस नए प्रस्ताव के हिस्से के तौर पर भारत और चीन इस बात को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं कि LAC पर इस साल जब से तनाव शुरू हुआ है, यानी कि अप्रैल मई के महीने से, तब से लेकर अभी तक पेंगोंग लेक एरिया पर दोनों पक्षों की तरफ से जो नए स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं उनको कैसे डिसमेंटल करना है। और ANI की रिपोर्ट के मुताबिक फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में भारत और चीन दोनों में से किसी की भी पेट्रोलिंग एक्टिविटी यहां पर नहीं होगी। बाकी जो डैपसांग प्लेन्स वाला मुद्दा है, उसे भी दोनों पक्ष एक अलग तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इस क्षेत्र में मौजूद उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर भी डिस्कशन किया जा रहा है, जिसे चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी के लिए ब्लॉक किया है। और आज गुरुवार को ITBP चीफ SS देसवाल की तरफ से भी कहा गया है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, इस विवाद का जल्द ही शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकलने की उम्मीद है। बाकी इसके अलावा भी आपको एक जानकारी और दे दें कि जो अभी हाल ही में SCO मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में रशिया ने भी भारत का समर्थन दिखाते हुए ये कहा है कि इस मीटिंग के दौरान किसी भी तरह के द्विपक्षीय मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे निकम्मे पड़ोसी ने इस मीटिंग में भी भारत और पाकिस्तान के कश्मीर वाले मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, जैसे कि वो लगभग हर एक मीटिंग में करता है। आज गुरुवार को रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से एक बयान आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि भारत के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एडवांस में सप्लाई करने के लिए वो काफी तेजी से काम कर रहे हैं। हालांकि S-400 सिस्टम के पहले बैच की जो डिलीवरी है वो अगले साल के अंत तक शेड्यूल की गई है, लेकिन रशिया की कोशिश यह है कि वो शेड्यूल टाइम से पहले ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को सप्लाई करे। और इसके साथ रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से इस बात की भी जानकारी दी गई है कि भारत और रशिया म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट और काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी 200 कैमोफ के 226T हेलीकॉप्टर्स की डील को अंतिम रूप देने पर काफी तेजी से काम कर रहे हैं। और जब उनसे ये पूछा गया कि जो अमेरिका और भारत के बीच BECA एग्रीमेंट साइंड हुआ है, क्या उसका असर इंडियन आर्म फोर्सेज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रशियन ओरिजन के प्लेटफॉर्म्स पर पड़ेगा या नहीं, हालांकि उन्होंने इसका डायरेक्ट रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन उनका ये जरूर कहना था कि भारत और रशिया के जो डिफेंस टाइज हैं वो कुछ ऐसे हैं जो हर तरह के प्रतिबंध और हर तरह के विदेशी हस्तक्षेप से इम्यून हैं। और हम भारत के अन्य नेशंस के साथ भी उनके रिलेशंस पर काफी करीब से नजर रख रहे हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। लेकिन इसी सेम टाइम पर हम इस बात को लेकर भी बिल्कुल सुनिश्चित हैं कि अन्य नेशंस के साथ भारत के रिश्ते जैसे भी विकसित होंगे, वो कभी भी रशिया के हित के खिलाफ तो नहीं होंगे। और हम पूरे विश्वास के साथ भारत और रशिया के फ्यूचर डिफेंस टाइज पर भी आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने भारत और चीन के सीमा विवाद को लेकर भी एक बात कही है, जिसमें उनका ये कहना था कि अगर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एस्केलेट होता है तो इससे न केवल एक रीजनल इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, बल्कि इस फ्रिक्शन का नाजायज फायदा कुछ अन्य प्लेयर्स अपने जियोपॉलिटिकल पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये विवाद जितना शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाए उतना ही सबके लिए अच्छा है। टॉप ऑफिशियल्स के मुताबिक भारत और रशिया फिलीपींस और कुछ अन्य देशों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट करने की योजना बना रहे हैं, और जिसके लिए अगले साल की शुरुआत में भारत और फिलीपींस के बीच एक एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है। यानी कि भारत और रशिया के बाद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हासिल करने वाला फिलीपींस पहला देश बनेगा। और इस मिसाइल की सप्लाई को लेकर भारत और फिलीपींस के बीच कई शुरुआती बातचीत भी हो चुकी है। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि आज गुरुवार को साउथ मुंबई में स्थित मजगांव डॉक में इंडियन नेवी की स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं सबमरीन INS वगैरह को लॉन्च किया गया है। और जो ये INS वगैरह है, ये एडवांस एकॉस्टिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक जैसे सुपीरियर स्टेल्थ फीचर्स के साथ आती है। और इस सबमरीन का नाम इंडियन ओशन पे मौजूद एक बेहद ही खतरनाक डीप सी प्रेडेटर सैंडफिश के नाम पर रखा गया है।
और जबकि इस क्लास की पहली दो सबमरीन INS कलवरी और INS खंडेरी ऑलरेडी इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन हो चुकी हैं और जो इसकी तीसरी और चौथी सबमरीन है INS करंज और INS वेला ये भी जल्द ही इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन की जाएगी। और इस क्लास की जो आखिरी सबमरीन होगी यानी कि INS बख्शीर इसकी फिलहाल लॉन्च डेट की घोषणा होना बाकी है, लेकिन उम्मीद यह है कि ये सबमरीन भी अपने समुद्री परीक्षण पूरे करके सन 2022 तक इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन हो जाएगी। और शायद आप में से अधिकतर लोगों को ये बात मालूम ना हो कि जो ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कन्वेंशनल सबमरीन्स में से एक हैं। आगे बढ़ने से पहले आज की क्विज के टॉप 3 विनर्स हैं शिवा प्रसाद जिना, तेजस कुलकर्णी और मृणाल। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस जल्द ही नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को एग्जामिन करेगी और पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी को एग्जामिन करने का जो ये फैसला है ये खास करके पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के एक लॉन्ग स्टैंड ऑफ के बाद ही लिया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस कमेटी को हेड करेंगे फॉर्मर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर और बीजेपी MP जुआल ओरम। और इस कमेटी में टोटल 31 मेंबर्स हैं जिनमें से 18 मेंबर्स बीजेपी के MPs हैं और उनके अन्य सपोर्टिंग पार्टीज से हैं और जबकि बाकी के 13 MPs ओपोजिशन पार्टीज से हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि इंडियन एयरफोर्स के श्रीनगर में स्थित नंबर 51 स्क्वाड्रन सॉड आर्म्स जो कि वर्तमान समय में MiG-21 बायसन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, इस स्क्वाड्रन को 2024 और 25 तक तेजस MK-1A फाइटर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जबकि इसके साथ इंडियन एयरफोर्स जम्मू कश्मीर में बराकेट मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के स्क्वाड्रन को भी डिप्लॉय कर सकती है। आज चाइनीज माउथपीस गोवर टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उन्होंने इंडियन मीडिया की उस रिपोर्ट को गलत बताया है जिसमें 3-स्टेप प्रोसेस एग्रीमेंट को लेकर बात की गई थी। चाइनीज मीडिया ने खास करके भारत की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए ये कहा कि इस रिपोर्ट में जो 3-स्टेप प्रोसेस एग्रीमेंट की बात हुई है और जो डिटेल में भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट वाले प्लान के बारे में बताया गया है, जैसे कि पहले टैंक्स और होविटजर्स पीछे जाएंगे, फिर चाइनीज ट्रूप्स फिंगर 4 से फिंगर 8 जाएंगे और इंडियन ट्रूप्स फिंगर 2 से फिंगर 3 वाली पोस्ट पे रहेंगे और ऐसे ही अन्य स्टेप, तो इस रिपोर्ट को लेकर चाइनीज मीडिया का ये कहना है कि ये रिपोर्ट इनएक्यूरेट है और ये दोनों ही पक्षों के गोल्स को एस्टेब्लिश करने के लिए भी मददगार साबित नहीं होगी। और चाइनीज मीडिया के मुताबिक LEC को लेकर भारत के पास हमेशा अनरियलिस्टिक आइडियाज रहते हैं और इसलिए उनके मुताबिक जो इंडियन मीडिया ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है ये दोनों ही पक्षों के परिणाम को कहीं से भी नहीं दर्शाती है और ये इस विवाद को खत्म करने का कोई फाइनल प्लान नहीं है। वैसे चाइनीज मीडिया की रिपोर्ट देखकर तो यही लग रहा है कि शायद उन्हें भारत के गोलगप्पे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए हैं, क्योंकि इस मीडिया की हरकतें तो ऐसी लग रही हैं कि शायद उन्हें दोबारा से गोलगप्पे चाहिए। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।